बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम प्यारे व्यूवर्स को आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादरा में खुश आमदीद। बहुत सारी दुआएं सबके लिए। जैसा कि हम सबको ही मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में ख़ास तौर पर दिसंबर में जो है वैकेशंस हो जाती हैं। इस वक्त घर में बच्चे हैं, सर्दियों के दिन हैं, छोटे छोटे से दिन होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। इतने सारे करने के काम होते हैं और वक्त जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और बच्चे जब घर में हों, फैमिली पूरी इकट्ठी होती है, ये वीक जो है ऐसा होता है कि सब ज़्यादातर लोग घरों में ही होते हैं, आना जाना मिलना मिलाना ज़्यादा हो जाता है और बच्चों को जो है हर थोड़ी देर में भूख सताती है। और ख़ास तौर पे गैस की लोड शेडिंग ने तो इतना ज़्यादा परेशान किया है कि बस जब गैस आती है तो मौका लगता है कि जल्दी जल्दी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना लें जो हमें जो है गैस की लोड शेडिंग के टाइम भी हमारे काम आती रहें। तो यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी से जो है ये बहुत अच्छी सी चटनी बना के रखी थी। ड्राई रोस्ट इसमें चीज़ें की थी, चने, सफ़ेद तेल ये हमने ले लिए क्योंकि सर्दियों में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी सेहत को जो है बहुत अच्छा रखे और वार्म अप हमें करता रहे। तो ज़ीरे, कुटी हुई मिर्चें, हींग के तड़के के साथ हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बनाई थी और ये बहुत अच्छी चटनी है। इसमें हम रेगुलर की जो अपनी हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह होता है वो भी लेंगे और ड्राई रोस्ट किए हुए तिल, नारियल पाउडर और भुने हुए चने, इनका भी इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से ये देखें, इन चार चीज़ों का, ये कड़ी पत्ता भी डाला है, इन चार चीज़ों का अपने बघाड़ लगा के ये भी हमने ग्राइंडिंग जग में शामिल किया है। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये जो बघाड़ लगेगा इससे चटनी जो है आपकी काफ़ी दिन तक आप इसको सेव करके रख लें। और अगर कभी ऐसा हो कि गैस नहीं है तो आप प्लेन राइस अगर आपके पास मौजूद है, पराठा आपका बना हुआ है तो आप उसके साथ भी खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। और ये लेमन का जो है जूस है जो थोड़ा से पानी के साथ मिला के शामिल किया है, बहुत ही स्मूथ सी अच्छी सी चटनी है। नमक हसबे ज़ायका इसमें शामिल करके और काला नमक भी इसमें डालेंगे। सर्दियों की ख़ास रेसिपी है, आप भी अपने घर में इस चटनी को ज़रूर बना के रखिएगा, काफ़ी दिन तक अच्छे से ये चल जाती है। पराठा, रोटी, हर तरीके की चीज़ों के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सर्दियों में जो हमने इसमें तिल शामिल किए हैं, भुने हुए चनों का हमने इस्तेमाल किया है, नारियल पाउडर, सर्दियों में ये बहुत अच्छा सा जो है हमारे जिस्म को वार्म अप रखते हैं। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाई जाएं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहें। बिल्कुल पेस्ट की तरह इसको अच्छा सा हमने इसको ग्राइंड किया। देखें कितनी अच्छी सी चटनी है, साफ़ सुथरे साफ खुश्क बाउल में आप इसको जार में निकाल के सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पर देखें, क्योंकि कभी ऐसा अक्सर घरों में ऐसा हो जाता है कि गोश्त मार्केट से आता है और आपको पता है कि यहाँ पे ऑनलाइन फूड डिलीवर भी किए जाते हैं और YouTube चैनल के लिए भी मज़े मज़े की रेसिपीज सिखाने के लिए गोश्त परचेज़ किया जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता और मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है कि मंगा के रख देते हैं। अब आज सोचा था कि कुछ ऐसा काम करें कि आज जो है कुछ कामों में नरमी थी तो सोचा आज ये वाले काम कर लेते हैं। तो तेज़ तरीन तरीके से गोश्त को जो है मेल्ट करने का तरीका जो है वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो है ना गोश्त को निकाल के छन्नी में रख लें ताकि थोड़ी सी जो है इसकी जो बर्फ़ जमी होती है वो निकल जाए। और यहाँ पे हमने गोश्त लिया था काफ़ी सारा, तकरीबन 4-5 किलो ये बीफ का गोश्त है। और यहाँ पे हमने दो बड़े बर्तन ले लिए थे खुले मुँह के, ताकि जो है गोश्त हमारा थोड़े थोड़े पीसेस हम इकट्ठे करके और जल्दी से इसको मेल्ट कर लेंगे ताकि इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसका पानी खुश करके हम पैकेट बना के रखेंगे। तो आप भी इस तरीके से, कभी ऐसा हो घर में गोश्त आपको पिघलाना हो तो आप इस तरीके से खुले मुंह के बर्तन में रख के इसमें पानी शामिल कर दीजिए और इसमें नमक 4-5 खाने के चम्मच नमक जो है वो डाल दें। तो पानी के साथ आप नमक डालेंगे तो जल्दी से गोश्त जो है वो बोटियाँ, सारी हड्डी बोटियाँ सब ये अलहदा हो जाएंगी। तो आप भी इस तरीके से करके जो है रखिएगा। और ये जो हम आपके साथ छोटे छोटे से क्लिप्स जो है वो शेयर करते हैं, छोटी छोटी सी वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, ये ना सिर्फ हमारे लिए बेनिफिट होती है बल्कि हम आपके साथ ये छोटे छोटे टिप्स इसलिए शेयर करते हैं ताकि हमारी इन कामों के करने के तरीके से आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। और अगर आपके माइंड में ये आइडिया नहीं है तो इस आइडिया से आप भी अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। ये देखें, दो खुले मुँह के बर्तन लिए थे, इसमें ये सारा गोश्त डाल दिया, नमक डाल देंगे, 2-4 कप पानी के डालेंगे इसमें और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके खाली रख देंगे। तो आप देखिएगा अभी आपके सामने ही हम तमाम गोश्त को जो है वो अलहदा करते जाएंगे। ये देखें गोश्त जो है कि अच्छे से आप देख रहे होंगे बोटियाँ ये अलहदा होनी शुरू हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको छन्नी में डालते जाएंगे, बोटियों को जो अलहदा होती जा रही हैं उनको खुश करते जाएंगे, अच्छे से वॉश करते जाएंगे और जो है वो इनके बॉक्सेस हमें बनाने।
जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए होती है उतने हिसाब से हम वेट करके रख लेते हैं, ताकि ऑन टाइम जैसे भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उसको भी अच्छे से हम बना लें और कम टाइम में हम बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हम पैक करके रख रहे हैं। ओ व्यूअर्स, यहाँ देखिए कुछ मैंने आपके साथ जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग की पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि के डिज़ाइन से हमने ये ऑनलाइन परचेजिंग की है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका। अगर आप लोगों को यहाँ से परचेज करने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के डिज़ाइन का जो है इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करूँगी, आप ज़रूर वहाँ पर जाके फॉलो कीजिएगा लिंक पर क्लिक करके। सूटेबल प्राइस में बेस्ट फैब्रिक कलेक्शन है ये, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने साइज़ के हिसाब से भी ऑर्डर करके स्टिच करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे सूट जो हैं यहाँ पे मिलते हैं, बहुत अच्छा एक हमें बेनिफिट हुआ, तो मैंने सोचा मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ भी ये शेयर करूँ। तो आप चाहें तो आप भी ज़रूर जो है परचेज कर सकते हैं। और यहाँ देखें छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चे घर में हैं तो सारा दिन बस बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और यहाँ बच्चों की ज़रा सी भी जो है वो नज़र चूकती है तो बच्चे ऐसी कार्रवाई करते हैं। इतनी सारी चौक जो है बच्चों को लाके उनके चाचू ने दी थी, बच्चे जो है जगह जगह बस पेंटिंग और ड्राइंग हो रही थी, तो फिर हमने इनको एक परमिशन दे दी। हालांकि दीवारों पे लिखना अच्छी बात नहीं होती है वॉल चॉकिंग, लेकिन बच्चे हैं घर में क्या करें सारा दिन, तो ये अपने छत के टेरिस की जो है वो दीवार को इस तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाते हैं। लेकिन फिर ये इनकी ड्यूटी होती है कि जब आपका दिल भर जाए तो आप इसको अच्छे से रब करके साफ़ करके आएँ, और वाइट चौक आपको पता है जल्दी से साफ़ हो जाती है। और ये हैं आयदा के चाचू के बेटे अहमद, जो मेरी बहुत सारी वीडियोस में व्लॉगिंग्स में आते रहते हैं। ये इनका नन्ना सा पैरोट है, और हमारे अहमद को जो है सारा दिन बस जो है बड़ा शौक़ है छोटी छोटी बकरियां और इनको खिलाने का। छोटे छोटे से इनके चूज़े भी इनके पास हैं, तो ये अपने बाबा के साथ, ये देखें ज़रा ये सारे जो है ना अपने बाबा से कह के इन्होंने घर में पलवाए हैं। इनके अंडे जो हैं उनसे भी बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है, माशाल्लाह सर्दियों में खूब अंडे जो है वो काम आ रहे हैं। और ये मुर्गे मुर्गियाँ जो हैं इन्होंने पाली हुई हैं, और अपने बाबा के साथ जो है ये पूरा टाइम बस इनको लगी रहती है, इतने चूज़े हो गए, आज 2 एग आए थे, आज 3 एग आए थे, बस इनका ये होता है। और सबको घर में आके खुशी खुशी बताते हैं कि हमारे इतने चूज़े हो गए, इतना कलर का चूज़ा निकला, ये हुआ वो हुआ, सारा दिन इनकी बातें होती हैं। और ये देखें अहमद की एक्साइटमेंट की एक बड़ी वजह ये भी है कि इनके न्यू बॉर्न बेबी जो है ये चिक्स छोटे छोटे से बहुत अहमद खुश थे कि मेरे ये छोटे छोटे से सबको बता रहे हैं, बड़ी मम्मा हमारे छोटे छोटे से चिक्स आए। और यहाँ पर मैं आपके साथ मटर आलू के पुलाव की रेसिपी भी शेयर करती जाऊँ। बहुत सर्दियों का मौसम होता है, मटर आए हुए हैं तो बच्चों को जो है बहुत पसंद है, तो आए दिन घर में मटर आलू का पुलाव ज़रूर बनता है। इसके लिए कोई ख़ास टेक्निक हम यूज़ नहीं करते, सिंपल रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम हमें मिलता है कि गैस आ जाती है, तो बस उसी टाइम में जल्दी से पकाना होता है खाना। तो सिंपली मैंने प्याज फ्राई की थी और लहसुन अदरक के साथ मटर और आलू को हमने भून लिया था। इसमें हमने टमाटर शामिल किए हैं, और ये मैं हरी मिर्चों का बना रही हूँ तो मैंने इसमें कोई और मिर्चें शामिल नहीं की, क्योंकि लाइट सा खाने का बच्चों का मूड था, तो बस ऐसे ही दिल चाहता है कि अचार वगैरह के साथ सलाद के साथ। सर्दियाँ आएँ तो मूली वगैरह भी खूब खाने में आ रही है, तो इसलिए मैंने सिर्फ हरी मिर्च का जो है ये यखनी पुलाव मैंने शामिल किया था। और इसमें मैंने ये देखें मेरे पास जो है ये ड्राई जो है मैं वो शामिल कर रही हूँ। जब मैं यखनी बनाती हूँ तो उसका जो मसाला होता है उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। यखनी मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने वो भी इसमें शामिल कर दी। झटपट से बनाते हैं, जल्दी जल्दी से सारे काम करने होते हैं क्योंकि वक्त कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। गैस की लोड शेडिंग ने बहुत परेशान किया हुआ है, पूरे मुल्क में गैस की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा आवाम को परेशान कर रही है, तो बस अल्लाह ताला से हम ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी अक़ल अता फरमाए और कुछ वो जो है आवाम के बारे में भी सोचें सिवाय अपने बेनिफिट्स को सोचने की जगह, आवाम के लिए भी कुछ ऐसे काम करें, क्योंकि नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके उन वो भी हमें पूरे नहीं मिल रहे जो अल्लाह ताला की कुदरती ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। गैस का इतना ज़खीरा है, चाहे तो नए नए तरीक़े से जो है वो आप तरक्की याफ्ता दौर है और चाहें तो ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आवाम की मुश्किलात दूर हों, लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। बहरहाल ज़िंदगी के झमेले हैं, ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, वक्त का काम गुजरना है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे मैनेज करके चलें। बहरहाल बड़ी मुश्किल से जो है बच्चों ने बताया कि मम्मा जल्दी से आ जाएं, गैस आ चुकी है।
बस जल्दी जल्दी से हमने ये मटर पुलाव आज के खाने में बनाया था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हल्की फुल्की व्लॉगिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकालना और इस तरीके से मैनेज करना आसान नहीं होता। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आप ज़रूर कर दिया कीजिए, फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया कीजिए। हम इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी खानों की रेसिपीज लाते रहेंगे। बहुत सारी दुआओं में हम आपको याद रखेंगे, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंतहाई खलूस के साथ बहुत सी दुआएं सबके लिए। फिर मिलेंगे किसी खास रेसिपी, खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, रेसिपीज के साथ, ब्लॉगिंग के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।